आपकी आवाज। आज हम लोग संबलपुर मंदलिया घाट छठ पूजा घाट जो है छठ मैया का घाट बोला जाता है, यहाँ पर यह जो प्रोग्राम होता है सारे भारत का विश्व में मनाए जाते हैं। ये खाली यूपी बिहार का पर्व नहीं रह गया, पूरे हिंदुस्तान का रह गया। आज उड़ीसा संबलपुर में ये कार्यक्रम, आज हमारे समय नवीन तिवारी जी है, मुन्ना तिवारी जी है, राजकुमार जी है, हर कोई यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर जो छठ पूजा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले पूरे संबलपुर को, पूरे ओडिशा के वासी को और पूरे भारतीय को छठ महापर्व की बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। छठ जो पहले एक उत्तर भारतीय लोग मनाया करते थे, अब मुझे लगता है कि ग्लोबल फेस्टिवल हो गया है। आप देखिए ओडिशा में या दिल्ली में कहीं भी जाइए, जहाँ भी बिहारी समाज या भोजपुरी वाले लोग हैं, वो लोग छठ को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो छठ महापर्व है ये विश्व का सबसे ज़्यादा शुभ और सबसे कठिन पर्व माना जाता है। एकलौता ऐसा पर्व है जहाँ पर हम लोग को ये बताते हैं कि देखो अगर तुम्हारा अस्त हुआ, सूरज डूबा, तो अगले दिन उदय भी होगा। लोगों ये मानते हैं कि हर जो चीज़ उदय होता है वो डूब जाता है। ये छठ हमें सिखाता है कि जो चीज़ डूबता है वापस उभरता भी है। यह लोग ही डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं और उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम नवीन तिवारी जी से बात सुने, अभी हम सामने मुन्ना तिवारी जी, वो भी बहुत अच्छे वक्त है, समाज से भी है। या छठ घाट लोग कहते हैं मुन्ना तिवारी या यही परिवार जो लगता है तभी छठ घाट में अच्छी पूजा हो सकती है। आइए आप पहले धन्यवाद देंगे कि मुन्ना जी ने इस घाट में बहुत ही मेहनत किया, आज ये छठ पूजा त्यौहार हो सकता है। हाँ सर, आज जो छठ पूजा बारे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं संबलपुरी नहीं पूरे उड़ीसा वासी को छठ पूजा का महापर्व छठ पूजा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये छठ पूजा त्यौहार ऐसा है, पहले तो इसको उत्तर भारत में ही मनाया जाता था और कुछ जगह ही सीमित था, लेकिन आज के दिन में मैं बल्कि ये कहूँगा कि देश ही नहीं पूरा विदेश में छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग आज के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन करते थे, फंक्शन प्रोग्राम भी करते थे, लेकिन 2 साल हुआ एक कोरोना महामारी के चक्कर में हम लोग कुछ प्रोग्राम नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी लगा। छठ भाई का कृपा है, श्री भगवान का कृपा है, इस साल कोरोना कम हो रहा है, उसलिए प्रशासन हमको इजाज़त दिया है घाट में आकर पूजा करें। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने देखा मुन्ना तिवारी जी ने कहा यह छठ पूजा खाली यूपी बिहार वाले ने, हर जात के लोग हैं यहाँ पर, मारवाड़ी, बिहारी, पंजाबी, हर कास्ट के लोग आ रहे हैं और छठ मैया का पूजा करते हैं। छठ पूजा जो एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है, क्योंकि इस पूजा में लोग मतलब बिना खाए पिए 12-12, 24-24 घंटा माँ लोगों ने उपवास भी करती हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।